आरोग्य जागृति। दोस्तों, कोरोना के इस लॉकडाउन में हम अपने कुछ बीमारियों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, जैसे शुगर, बीपी, हार्ट से संबंधित बीमारी को। आज हम हार्ट से संबंधित कुछ बातें कर रहे हैं। कुछ पेशेंट को डॉक्टरों ने बाईपास की सलाह देकर गोलियां दे रखी हैं। समय पर अपनी गोलियां और दवाई लेना ना भूले। किसी को एंजियोप्लास्टी की सलाह दी है तो उसमें ज्यादा समय ना लगाए। हम कोरोना के कारण पिछले कई दिनों से घरों में बैठे हैं। दिल की कोई भी तकलीफ हो तो तुरंत अपने डॉक्टरों से सलाह जरूर ले। आरोग्य जागृति में आज हम मिलेंगे डॉक्टर योगेश बेलापुरकर जी से। ये हमें बता रहे हैं हार्ट बाईपास के बारे में। डॉक्टर बेलापुरकर जी शहर के जाने माने बाईपास सर्जन हैं। एमजीएम हॉस्पिटल में फिलहाल वो कार्यरत हैं। इसके पहले विदेशों में कई साल ये बतौर हार्ट सर्जन सेवा दे चुके हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि बाईपास क्या होता है और बाईपास को लेकर हमारे बीच जो गलत फहमियाँ हैं उसे भी हम दूर करेंगे। सर, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। आपका अनुभव हमें, हमारे दर्शकों को आपसे हम जानना चाहेंगे कि बाईपास क्या चीज़ है। मैं डॉक्टर योगेश बेलापुरकर, मैं औरंगाबाद में पिछले 16 साल से हूँ। पिछले 10 साल से एमजीएम में मैं कार्डियक सर्जन के तौर पर मैं बाईपास सर्जरी करता हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज ये विषय दिया हुआ है, बाईपास के बारे में जानना है। तो पहली चीज़ जान लेते हैं बाईपास होता क्या है। अभी जैसे ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है, इंसान के अंदर हर एक चीज़ बिठाई है। जैसे गाड़ी होती है उसमें इंजन होता है, तो इस इंजन को हम दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं। अब पैदाइशी तो तकरीबन सभी के दिल बहुत अच्छे ऊपर वाले ने दिए हुए होते हैं, पर कुछ चीज़ों की वजह से इंसान ये बीमारी को खुद मोड़ लेता है। अब बीमारी मतलब क्या होती है? जैसे ये दिल, मैंने कहा इंजन है, इसको एक आर्टरी से सप्लाई मिलता है, खून सप्लाई मिलता है। दिल ये स्नायु है, मसल है, और ये मसल को काम करने के लिए एक आर्टरी से खून आना जरूरी है। कोई वजहों से, कुछ कारण की वजह से, जैसे हम आगे बात करेंगे, पर इन कारणों की वजह से इन आर्टरियों में चोक आ जाते हैं। ये चोक अगर 70% या 80% अगर बन जाते हैं तो फिर इंसान को इसमें तकलीफ होने लगती है। और फिर कभी कभी अगर ये चोक अचानक से हो जाए पूरा 100% बंद, तो इसमें हार्ट अटैक आ जाता है। अब ये जब चोक आते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, पर ऐसे पकड़ के चलेगा जितने भी चोक आते हैं इसमें से 30-40% चोक ऐसे होते हैं जिसमें बाईपास की सलाह है। बाकी जैसे कुछ दवाइयों पे होता है, कुछ एंजियोप्लास्टी पे होता है, कुछ बाईपास पे होता है। सो बाईपास मतलब क्या होता है? ये जो स्नायु को ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो रहा है। जब डिमांड ज़्यादा है दिल की, तब उसको सप्लाई कम मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इंसान की, पेशेंट की ही अपनी आर्टरियां लेके, जैसे साइड में आर्टरी होती है, हाथ में आर्टरी होती है, मांडी में वेन होती है, ये हम चोक के पहले और चोक के बाद में उसको जोड़ के एक तकरीबन फ्लाईओवर जैसी चीज, या जैसे हम बाईपास रास्ता कहेंगे इसे, ये हम बनाते हैं। और ये बाईपास जब बन जाता है, तब आगे चल के खुदा खासा ये अगर चोक पूरा 100% भी हो जाए तो वो इंसान को हार्ट अटैक नहीं होता। और जब उसकी डिमांड बढ़ती है, जैसे वो काम कर रहा है, कहीं दौड़ रहा है, कहीं और कुछ रोज़मर्रा के काम है जिसमें उसको पहले तकलीफ होती थी, जैसे खाना खाने के बाद तकलीफ होती है किसी को वजन उठाने के बाद होती है, तो ये तकलीफ चली जाती है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना चले जाता है और हार्ट अटैक का टेंशन नहीं रहता बाईपास करने के बाद। तो ये बाईपास जो है, इसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, शस्त्रक्रिया बोलते हैं। ये ऑपरेशन करके कुछ धागों से यहाँ वहाँ जोड़ के हम ये बाईपास मार्ग बना लें। सर, ये बाईपास के लिए काफ़ी लोगों में, पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदारों में काफ़ी गैर समझ है। क्या बाईपास करने के बाद पेशेंट मतलब प्रॉब्लम में रहता है, इसके बारे में लोग? बाईपास के बाद अगर पेशेंट तकलीफ बोल रहा है, कर रहा है, पहली चीज़ तो हम भूलना नहीं चाहिए, ये पेशेंट जिंदा है, ठीक है, और ये तकलीफ बता रहा है। तो ये जिंदा क्यों है अगर हम बाईपास नहीं करते? देखो, हर चीज़ में जब बीमारी आती है तब उसके लिए ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस है वो हमें लेने पड़ते हैं, जिसमें रिस्क और बेनिफिट, इसका हम इक्वेशन लगाते हैं। अगर बीमारी निकली और पेशेंट चाहे कि मैं दवाइयाँ ही ना, अब इसमें क्या होगा, रिस्क सबसे ज़्यादा होगी, एडवांटेज कुछ नहीं।
अगर पेशेंट कहता नहीं मैं सिर्फ दवाइयां गोलियों पे करना चाहूंगा, फिर भी इसमें रिस्क तो होती है हार्ट अटैक जैसे, ये चोक जो है ये बढ़ते रहते हैं। यह दवाइयां 30-40% तक के चोक को कंट्रोल में रखती है, पर 70-80% के आगे के चोक को दवाइयां भी पूरी तरह काम नहीं कर पाएंगी। कुछ दिनों के लिए काम करेगी पर ज्यादातर आगे नहीं कर पाएगी। तो दवाइयों पे अगर हम रखेंगे तो रिस्क भी है और एडवांटेज भी। तीसरी प्रोसीजर होती है जैसे एंजियोप्लास्टी है, अगर एंजियोप्लास्टी मुमकिन है उसमें रिस्क थोड़ी कम होती है, फायदा भी होता ही। और फिर चीज आती है बाईपास की, जैसे तीन आर्टरियों में चोक है, मेन नस में चोक है, डायबिटीज है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के चोक होते हैं। इसमें अगर एंजियोप्लास्टी मुमकिन नहीं है, दवाइयों बोले के लिए नहीं चलने वाले, तो बाईपास करना ही जरूरी है, क्योंकि बाईपास में थोड़ी रिस्क होगी। मैं मानता हूँ बाईपास, देखो अगर इंजन रिपेयर करना है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो बोनेट तो खोलना पड़ता है। अब ये बोनेट खोलने के बाद उसकी तकलीफें थोड़ी रहती है। मैं मानता हूँ कि ये कोई जादू नहीं है जो हम जादू से ऑपरेशन कर रहे हैं, चोक निकाल रहे हैं और बस पेशेंट दौड़ के जाने लगा, ऐसे नहीं होता। तो कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा खोना पड़ता है। तो इसमें बाईपास में रिस्क थोड़ी होती है बट फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। सभी आर्टरियाँ कवर होती है, जैसे मैंने बताया नया पूरा मतलब पूरे एक पाइपलाइन ही बनी है, तो अब इसमें सप्लाई की कोई कमी नहीं होती। अब तकलीफ ज़्यादातर के बाईपास के बाद क्या होती है, दर्द होता है, एक सकम होता है, पर वो तो और कोई भी ऑपरेशन के बाद तो होगी ही, जैसे अपेंडिक्स किया, जैसे अल्सर की बीमारी की, जैसे कैंसर की, तो ये इसमें जो तकलीफ होती है तकरीबन उतनी ही होती है। यहाँ से ऑपरेशन होता है, कभी साइड से होता है, पर ज़्यादा करके यहाँ से होता है। अब इसमें एक बार अगर जख्म जुड़ जाती है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता, पकड़ के चलिएगा 3 हफ्ते से लेकर 5-6 हफ्ते तक, इसके बाद पेशेंट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ महसूस करता, जो पहली चीज़ें बाईपास के पहले वो नहीं कर पा रहा, वो सब चीजें अब वो कर पाता है, और तब जाके उसके मुंह से एक शब्द निकलता है थैंक यू। तो ये थैंक यू बोलने तक का समय होता है जहां तक उसको दर्द होता है, थोड़ा पेन होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं 3-4 हफ्ते तक, पर अगर उसमें अगर पेशेंट कोऑपरेट करे, अगर उसका सहयोग रहे, तो आगे चल के उसकी जिंदगी अच्छी तरह चल जाती है। सर, बाईपास करना है तो काफी खर्ची होता है। अब इसमें ऐसा होता है कि यार पेशेंट और पेशेंट के रिश्तेदार के पास पैसा नहीं होता है, इससे इसके लिए वो प्रोलॉन्ग करते जाता है। तो अभी गवर्नमेंट की इसमें भी योजना है और एमजे में होती है, तो इसमें हर एक कवर हो सकता है। तो अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये जितना मैं आसानी से बता रहा हूँ कि बस आर्टरियाँ निकालनी है, पेशेंट की आर्टरियाँ है उसको जोड़ना है, पर ये सब चीज़ों में जो इंस्ट्रूमेंटेशन लगता है, अभी एक सादा सा एग्जांपल है, आपको मेरा अगर ये इंटरव्यू चल रहा है तो इसमें आपका माइक का खर्चा है, कैमरे का खर्चा है, वैसे हर चीज़ में थोड़ा खर्चा तो होगा ही। जैसे अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो उसमें खर्चा होता है, टिकट का खर्चा होता है, ट्रेन से है, खर्चा तो हर चीज़ में होता है। बाईपास ये थोड़ी नाजुक शस्त्रक्रिया है, नाजुक ऑपरेशन है, तो इसके लिए लगने वाली सब चीज़ें, मतलब हम आँखों पर भी एक अलग सा लेंस डालते हैं, हाथों में हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, एनेस्थीसिया के लिए अलग टेक्निक होती है, टेबल अलग होता है, अगर मशीन की जरूरत पड़ती है तो हार्ट लंग मशीन होता है, एनेस्थीसिया मशीन होता है, दवाइयाँ होती है, इंजेक्शन होते हैं, ये खर्चे सही मायने में ज़्यादा होते हैं। मैं मानता हूँ, मैं 16 साल पहले जैसे मैंने बताया, इसके पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और उस टाइम अगर मैं बाईपास ऑस्ट्रेलिया में किसी को सजेस्ट करता तो उस टाइम उसका खर्चा 30 लाख रुपये था एक ऑपरेशन। अब ये महसूस हुआ आगे चल के कि नई कंपनियां भी जैसे आती गई, प्राइसेस कम होते गए, पर एक हद तक ही कम हुए, वो हद भी बहुत सारे लोगों के, और अपनी एरिया जो है, हम अगर मराठवाड़ा में बोलते हैं तो ये एरिया में हमारे पास, हमारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि हम वहां तक भी पहुंचे। ये जानकर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ योजनाएं शुरू की, ये योजनाएं काफी साल से है, और अभी उसमें ज़्यादा जोर लगाने पे वो खर्चा गवर्नमेंट ज़्यादा करके करेंगे। अभी पकड़ के चलिएगा बाईपास को तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक खर्चे आ रहे हैं, पर गवर्नमेंट की योजना की वजह से ये खर्चे इसमें से निकल रहे हैं, पेशेंट को ये खर्चा खुद से ज़्यादा नहीं करना पड़ता। थोड़ा एंजियोग्राफी का खर्चा हो रहा है, ऑपरेशन के बाद एक बार रिकवर होते तो 10 दिन की दवाइयाँ तो यूज करनी आती है, उसके बाद की कुछ दवाइयाँ आती हैं, ये दवाइयों का खर्चा, पर इसमें सबसे अहम बात यह है कि पेशेंट की अपनी ही आर्टरियाँ लेके खुद ही को जोड़ रहा है। अभी खुद ही की आर्टरियों की तो कीमत है, जैसे एंजियोप्लास्टी अगर हम करते हैं तो उसमें स्टेंट की कीमत है, तो स्टेंट अलग बनता कंपनी, पर ये तो ऊपर वाले की कंपनी में, तो इसको खर्चा नहीं आता।
पर ये चीजें मैं मानता हूँ कि यस खर्चा ये हर चीज में है। ऑपरेशन बाईपास में खर्चा पहले बहुत ज्यादा था, अब वो काफी हद तक कंट्रोल में आया है और इसके लिए सुविधाएं गवर्नमेंट ने अच्छी चालू की है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। यही 16 साल पहले मैं अगर किसी को बोलता था कि नहीं आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा, तो यहाँ वो लफ्ज इस्तेमाल होता था, मैं डॉक्टर मरू दिया। ये जो मरू दिया है ना, ये अल्फाज मेरे दिल पे बहुत ज्यादा गहरे गए। तो हमने भी ये सब योजनाओं का फायदा पेशेंट तक कैसे पहुंचे, और सिर्फ फायदा नहीं उसमें भी उनको सबसे अच्छी क्वालिटी की चीजें कैसे मिले, मतलब बिना क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज किए उसी कीमत में हमने पेशेंट तक ये सब चीजें अच्छी तरह पहुंचाई। और इसके लिए गवर्नमेंट का हम सब शुक्रिया करना चाहेंगे। गवर्नमेंट ने ये योजना जेन्युइनली बहुत अच्छी की और इसके फायदे बहुत सारे लोगों को हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो ये खर्चे की वजह से अगर कोई सोच रहा है कि नहीं इसमें खर्चा ज्यादा है, मैंने बाईपास नहीं कराना है, तो ये उसकी गलत फहमी है। योजना है, योजना मदद करेगी, बस आपको थोड़ा और आपका दिल तो नहीं पर थोड़ा दिमाग ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, ज्यादा उसमें जान डालनी है और खुद से तय करना है कि नहीं मैं कर रहा हूँ अपना बाईपास क्योंकि आगे चल के इसका फायदा होने वाला है। डॉक्टर ने सभी पूछ रही है, डॉक्टर अपने दिल से बोल रहे कि नहीं ये आपको फायदे का होगा, तो आपको बाईपास करवा लेना जरूरी है। खर्चे का इसमें